दोस्तों पहले तो चेन्नई सुपर किंग की टीम को आरसीबी के हाथों बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, मगर दोस्तों हार के बावजूद भी बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी पर लगाया 1,00,000,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल का प्रतिबंध। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं महेंद्र सिंह धोनी पर इतना बड़ा जुर्माना क्यों लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आईपीएल 2024 का 68वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला गया, जिसमें आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन स्कोर पर लगाए 5 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा डुप्लेसी ने 54 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब चेन्नई सुपर किंग की टीम जब मैदान पर आई तो चेन्नई सुपर किंग की टीम की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि दोस्तों 19 रन के स्कोर तक 2 विकेट चटक चुके थे। उसके बाद दोस्तों जरूर रचिन रविंद्र ने 61 रन का योगदान दिया, उसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी 42 रन का योगदान दिया, मगर ये भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके और इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 191 रन स्कोर पर लगाए 7 विकेट खोने के बाद और इसमें 27 रन से हार का सामना करना पड़ा। मगर दोस्तों हार के बावजूद भी बीसीसीआई ने स्लो ओवर रेट के चलते महेंद्र सिंह धोनी पर बड़ा जुर्माना लगा दिया, क्योंकि दोस्तों स्लो ओवर रेट वो होता है एक निश्चित टाइम के अंदर दोनों टीमों को ओवर फेंकने होते हैं, मगर चेन्नई सुपर किंग की टीम इस कारनामे को करने में सिर्फ 5 मिनट लेट हो गई और 5 मिनट लेट होने के चक्कर में बीसीसीआई ने MS धोनी पर बड़ा जुर्माना लगा दिया।